हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाले पिंडी चना बिना प्याज और टमाटर के। बहुत जल्दी बनता है, 10 और 15 मिनट लगते हैं और बहुत टेस्टी बनता है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हमने चने जो रात भर भिगो दिए थे उसके लिए हम लेंगे ये चाय पत्ती, इसको हम पोटली बनाएंगे, और ये सारे खड़े मसाले, ये तेज पत्ता, ये छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग 3 से 4 और काली मिर्च, इसकी हम पोटली बना के अब इसमें डालेंगे। ये पोटली हमने तैयार कर ली है, अब इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर करेंगे। हमने सिर्फ इसका फ्लेवर देना है, इसके बॉइल्ड होने के बाद हम इनको निकाल देंगे। चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अब मैं इसमें आधा टीस्पून नमक डालूंगी। अब मैं कुकर को बंद करके इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारे चने बॉईल्ड हो चुके हैं, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। अब हम इनको छान लेंगे और जो हमारी ये पोटली है इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब हम शुरू करेंगे इंस्टेंट पिंडी चना बनाना। इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसको हमने छान के अलग कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मिर्च डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, काली मिर्च, काला नमक 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, इसको मिक्स करेंगे, और इमली का पल्प मैंने भिगो के रख लिया था इसको डालेंगे हम, क्योंकि मसालों को बैलेंस करने के लिए मैंने डाला। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। इसका तड़का तैयार करेंगे, गैस ऑन करेंगे। इसमें घी डालेंगे 2 टेबलस्पून, ये 10 से 15 मिनट में बनने वाले चने हैं पिंडी चने, और इसमें ना तो प्याज डलता है ना टमाटर, कुछ भी नहीं डलता और फटाफट बनने वाले चने हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको आप कुलचे के साथ सर्व करो। इसमें डालेंगे अब हम अदरक ऐसी लंबी कटी हुई और हरी मिर्च इसमें डालेंगे। अब
अदरक में थोड़ा कलर आने के बाद अब हम इसमें थोड़ी मिर्च डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। हमारा तड़का रेडी है। अब हम इसमें शिफ्ट कर देंगे, ये देखिए इसको अब हम गैस पर रखेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। हमारा चना रेडी है, पिंडी चना बन के रेडी है। अगर आप इसमें ज़्यादा ग्रेवी थोड़ी रखनी चाहते हैं तो जिसमें हमने पानी में चना बॉइल्ड किया है वही पानी हम इसमें थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा मैश करना चाहें तो कर सकते हो, वैसे तो ये ठीक है। ये हमारा चना रेडी है, ये देखिए इसको बॉइल्ड एक आने देंगे। इसको 5 मिनट के लिए इसको कवर कर करके 5 मिनट बॉइल्ड आने देंगे। हमारा पिंडी चना बनके बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है पिंडी चना, ये देखिए। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। हमारा पिंडी चना बनके रेडी है, आप इसको कुलचे के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना।